दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा, इस तो लगा, लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि, कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेट्टी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आईकेएफ एक स्वतंत्र कश्मीरी के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आईकेएफ ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आईकेएफ को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना है। आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी नहीं कर सकता। लेकिन काफी आपको एक पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए दोस्तों भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोले सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि, कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हेलेने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वहां उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आई जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आई एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आई ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आई को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी मूवी है आप इस को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फन्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान है काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेट्टी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए ज़िम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आईकेएफ एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने न आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आईकेएफ ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आईकेएफ को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती दिए आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्त मैंने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक ओवर से इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर, कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्त अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आई जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आई एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आईकेएफ ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आईकेएफ को अभी भी एक ट्रीगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रीगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती दिए आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा ये मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हेलेने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए ज़िम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आईकेएफ एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आई ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आई को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती दिए आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी मूवी है आप इस को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि, कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको काफी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हेलेने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वे हाउस में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आई जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आई एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आईकेएफ ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आईकेएफ को अभी भी एक ट्रीगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रीगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना बेचती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको प्लेटफॉर्म एमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्त अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को सौ तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि, कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर, कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेट्टी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हेलेने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आईकेएफ एक स्वतंत्र कश्मीरी के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आई ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आई को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना

दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान है काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आई जो इसके लिए ज़िम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आई एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने न आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आईकेएफ ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आईकेएफ को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फन्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान है काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक ओवर से इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक, एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आई जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आई एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आईकेएफ ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आईकेएफ को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को सौ तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरे से इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आई जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आई एक स्वतंत्र कश्मीरी के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आईकेएफ ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आईकेएफ को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि, कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा ये मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेट्टी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हेलेने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आईकेएफ एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आई ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आई को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि, कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा ये मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हेलेने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह हाउस में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए ज़िम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आईकेएफ एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं है। वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आई ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आई को अभी भी एक ट्रीगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना बेचती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी मूवी है आप इस को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म एमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि, कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेट्टी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए ज़िम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आईकेएफ एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आई ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आई को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको प्लेटफॉर्म एमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को जरू से जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आई जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आई एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आईकेएफ ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आईकेएफ को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना

दोस्तों अगर आप भी फन्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोले सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आई जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आई एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आईकेएफ ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आईकेएफ को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफी इंटरेस्टिंग मूवी मूवी है आप इस को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा ये मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए ज़िम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आईकेएफ एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आईकेएफ ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आईकेएफ को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा ये मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आई एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आई ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आई को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा ये मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्त अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वे हाउस में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आईकेएफ एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आई ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आई को अभी भी एक ट्रीगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी मूवी है आप इस को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्त अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आईकेएफ एक स्वतंत्र कश्मीरी के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आई ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आई को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी नहीं कर सकता। लेकिन काफी आपको एक पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए दोस्तों भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्त अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा ये मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आई एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आई ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आई को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना

दोस्तों अगर आप भी फन्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों तो अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे तो में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान है काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरे इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा ये मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेट्टी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए ज़िम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आईकेएफ एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने न आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आईकेएफ ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आईकेएफ को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रिस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आई जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आई एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आईकेएफ ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आईकेएफ को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान है काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हैलने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वह हाउस में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बमबारी और आईकेएफ जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आईकेएफ एक स्वतंत्र कश्मीरी के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने नहीं आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आई ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आई को अभी भी एक ट्रिगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रिगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती दिए आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फ़न्ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फन्ना मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 26 मई 2006 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी फन्ना जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपकी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है 2006 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो दोस्तों मूवी के डायरेक्टर हैं कुणाल कोहली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को इकहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आप दोस्तों रेटिंग रेस्पॉन्स से भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान काजोल सनाया ईरानी अली हाजी तब्बू श्रुति सेठ ऋषि कपूर किरण खेर गौतमी कपूर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है आपकी मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छप्पन मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज से इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा ये मूवी आपको किस तरह की लगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है जूनी अली बेग एक अंधी कश्मीरी महिला है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए अपनी सेलियो फातिमा फेटी अली महबूबा बोबो सिद्दीकी रूबीना रूबी अंसारी और अपनी नृत्य शिक्षिका हेलेने के साथ पहली बार नई दिल्ली आती है वह उसकी मुलाकात उनके टूर गाइड रेहान कादरी से होती है हालांकि उसके दोस्त उसके चुलबुले व्यक्तित्व को नापसंद करते हैं लेकिन जूनी को उससे प्यार होता है रेहान और जूनी ने अपनी आखिरी रात दिल्ली में एक साथ बिताई रेहाना जूनी को दिल्ली छोड़ने से रोकता है और उसके माता पिता जल्दी उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली पहुँचते हैं सर्जरी के बाद जूनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है लेकिन जब वे होश में आती है तो उसे पता चलता है कि शेर में हुए बम विस्फोट में रेहान मारा गया था आतंकवाद विरोधी एजेंट मालिनी त्यागी बम्बारी और आई जो इसके लिए जिम्मेदार समूह है की जांच करती है ये पता चलता है कि आई एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए लड़ रहा है और रेहान उनका नेता है जिसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि जूनी उसे खोजने न आए वे स्वीकार करता है कि वे जूनी से प्यार करता है लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी सात साल बाद ये पता चलता है कि आई ने भारतीय सेना के एक स्टेशन पर हमला करने के बाद परमाणु हथियारों हासिल कर लिया है लेकिन आई को अभी भी एक ट्रीगर की आवश्यकता है मालिनी की टीम के साथी सुशील रावत सभी परमाणु ट्रीगर को हटाने का आदेश देते हैं सेना के भीतर अंडरकवर काम कर रहे रेहान के ट्रीगर को हटा दिया लेकिन मालिनी को पता चल जाता है कि वे आई का नेता है और उसे रोकने के लिए सेना भेजती है आगामी गोलीबारी में रेहान बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत